हेलो गाइस, मैं रीना आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए बहुत ही स्पेशल और यूज़फुल वीडियो लेकर। और इस टाइप की वीडियो आपने आज तक शायद ही कभी देखी हो। आज मैं अपनी इस वीडियो में स्प्रे पेंटिंग करना सिखाऊंगी। और आज तक आपने जब भी स्प्रे पेंटिंग की होगी या देखी होगी तो नॉर्मली पेपर पर ड्राइंग शीट पर देखी होगी, बट हम जो आज पेंटिंग करने वाले हैं वो किसी ड्राइंग शीट पर नहीं करेंगे, एक स्वेटशर्ट पर करेंगे, एक वुलन फैब्रिक पर करने वाले हैं। ये बहुत ही लो बजट है इसीलिए ये स्पेशल है और इसमें कोई ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है। आप घर पर ही किसी भी कपड़े पर ये स्प्रे पेंटिंग कर सकते हैं। एक प्लेन कपड़े को भी आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन करके खूबसूरत बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमें उसके लिए क्या कुछ चीज़ें चाहिए हैं। हमें एक ब्रश चाहिए, ये यूज्ड ब्रश है ये जो हम नॉर्मली फेंक देते हैं, और ये फैब्रिक कलर हैं जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं। ये मैंने अपने बेटे के लिए एक स्वेटशर्ट कट की हुई है, ये अंदर से वुलन फैब्रिक है और बाहर से कॉटन मिक्स है ये। और स्प्रे पेंटिंग के लिए मैंने दो पिक्चर ड्रॉ की हुई हैं और ये मैंने एक लोगो बनाया है, इसको मैं कट करूँगी। और ये एक मैंने बनाया है, इसको मैं यहाँ से कट करके बीच में मैं इनको रखूँगी और साइड में स्प्रे पेंटिंग करेंगे हम। ऐसे ही मैं इसमें करने वाली हूँ, इसको मैं दोनों को कट करूँगी और फिर मैं अपने स्वेटशर्ट पे इसको पेस्ट करके उसके बाद मैं इसके साइड में स्प्रे पेंटिंग कर दूँगी। पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। जो पिक्चर मैंने ड्रॉ की हुई थी मैंने अब उसको कट कर लिया है और मैंने इस पे बैक साइड में छोटी छोटी डबल टेप्स लगा दी हैं यहाँ पे बीच बीच में। और अब मैं इनको हटा के इस पे जहाँ भी मुझे लगाना है मैं इसको ऐसे पेस्ट कर दूँगी और उसके बाद हम इसमें स्प्रे पेंटिंग करते हैं। स्प्रे पेंटिंग के लिए मैंने ये फेविक्रिल कलर लिए हैं और मैंने एक पुरानी टूथब्रश ली है जो नॉर्मली घर में हम यूज़ करते हैं और ख़राब हो जाती है। तो अब हम अपनी पेंटिंग स्टार्ट करते हैं। ये मैंने ब्रश में ग्रीन कलर लिया है और अब मैं इसको धीरे धीरे उंगली से ऐसे करूंगी, तो देखिए आपको नज़र आ रहे होंगे डॉट्स डॉट्स हमारे स्प्रे होता जा रहा है। ये ग्रीन कलर है, मैंने स्प्रे कर दिया है, अभी गीला है ये तो विजिबल कम हो रहा है। अभी मैं इसमें येलो कलर करती हूँ। मैंने ये ब्रश में येलो कलर लिया है और अब हम फिर से वैसे ही स्प्रे करना स्टार्ट करते हैं। और अब की बार आपको शायद ज़्यादा अच्छे से दिख रहा है क्योंकि ये कलर ब्राइट है तो ज़्यादा सुंदर दिखेगा। कोशिश करें कि कलर बस उतना ही लें जितना ये टपके ना, अदरवाइज़ बहुत मोटे मोटे डॉट्स आ जाएंगे जो कि अच्छे नहीं लगेंगे। हमें सिर्फ स्प्रे करना है। अब मैंने ब्रश में रेड कलर ले लिया है, दो कलर ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ये थर्ड कलर हम करने जा रहे हैं।
फोर्थ कलर लिया है, लास्ट कलर वाइट। स्प्रे का काम हमारा ख़त्म हो चुका है और अब हम इसको रिमूव करेंगे और देखते हैं। मैं आपको क्लोजअप लुक इसका दिखा देती हूँ। अभी ये काफ़ी गीला है तो हम इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे, बट आपको लुक इसका नज़र आ गया होगा और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है और बिल्कुल जैसा हम चाह रहे थे ये वैसा रेडी है। हमारी स्वेट शर्ट रेडी हो चुकी है और मैंने इसको ब्लैक के साथ कंट्रास्ट किया है, ब्लैक ग्रे समथिंग। और ये देखिए हमारी जो स्प्रे पेंटिंग है वो बहुत ही सुंदर आई है और मैंने इसको वॉश कर लिया है बट कोई भी पेंट नहीं निकला है, तो आप भी इसे इजीली ट्राई कर सकते हैं। अगर चाहें तो हम इसमें स्टोन्स या कोई भी स्पार्कल की आउटलाइन कर सकते हैं, बट मैंने इसको अभी सिंपल ही रखा है। तो गाइज आपने देखा कि एक नॉर्मल सी स्वेटशर्ट स्प्रे पेंटिंग से कितनी सुंदर बन गई है और इसमें हमने अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डिज़ाइन डाला है। तो ऐसे ही आप भी कुछ भी जो आपको पसंद हो डिज़ाइन या कुछ भी रिटर्न में नाम लिख सकते हैं, आप बच्चे का बर्थडे के लिए बना सकते हैं, केक की फ़ोटो डाल सकते हैं इस पर, बच्चे का नाम लिख सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग कोई भी आप डिज़ाइन डाल के ये स्प्रे पेंटिंग कर सकते हैं। हम किसी भी प्लेन टी शर्ट पर अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं, हैप्पी न्यू ईयर लिख सकते हैं, हैप्पी बर्थडे लिख सकते हैं, या बच्चे का बर्थडे है तो हम बर्थडे ईयर लिख सकते हैं। अगर 5 साल का बच्चा होने वाला है तो हैप्पी बर्थडे लिख के हम 5 ईयर मेंशन कर सकते हैं, बच्चे का नाम भी नीचे ऐड कर सकते हैं, या कोई भी पिक्चर जो हमें पसंद हो उसको साथ लेके हम ये स्प्रे पेंटिंग कर सकते हैं, अपनी पसंद का डिज़ाइन हम इसमें बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, बाय बाय।